बन के चलती है यहाँ से। 1 2 3 4 भाई गिनने में भी बहुत। तो अब उतरे हैं थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करके फिर निकलेंगे आके ये तरफ। भीड़ देखो भाई, मैं सोच रहा थोड़ी सी भीड़। लो भाई पहुंच गए, भीड़ देखो यहाँ पे कितनी हो रही है। अभी तक दोपहर हो रही है भाई साहब, अभी तक निशान यात्रा लेके आ रहे हैं बंदे धूम में। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का जो सीन अभी कुछ ऐसे है, आज हमारे को जाना है खाटू श्याम। तो बस अभी जस्ट उठे ही थे हम, नया उठा था अकेला, दोस्त घर तो उधर उठेंगे, घर दूसरे दूर रहते हैं थोड़े यहाँ से। तो बस अभी जस्ट उठा था और मुँह हाथ वगैरह ही धोया इतने पहले, मैं क्या थोड़ा शूट वगैरह कर लेते हैं और बैग पैकिंग कर रहा हूँ मैं। तो ये भैया बैग पैकिंग करते आता हूँ। ये कुर्ता जामा लिया जो पिछली बार डाला था, ये दोनों ये वहीं पे जाके डाल लूँगा। बाकी थोड़ा सामान ये यहीं से डाल के जाना है, और ये शूज़ वगैरह सोच रहा हूँ ये डाल के जाऊँ या एक या ये। तो बस अभी ये पैक कर रहा था, शूज़ वगैरह की समझ नहीं आ रही क्या डाल के जाऊँ तो दोनों में से, क्योंकि यहाँ से लोअर वगैरह डाल के जाऊँगा, लोअर पर तो स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह चलते हैं, और वहाँ पर कुर्ता जहाँ डालूँगा वहाँ पर तो बेल्ली वगैरह चलेगी, तो इस करके थोड़ी दिक्कत सी आ रही है। तो बस अभी नहाते धोते हैं अच्छी तरह, बियर्ड वगैरह भी सेट करवाया आया था सुबह। तो बस अभी नहा धो के चलते हैं हरिद्वारा, रेलवे स्टेशन जाके मिलते हैं आपसे और रास्ते में भी आता हूँ। आज निर्जला एकादशी है ना, इसके देखो पानी चल रहा है जगह जगह, और अब चलते हैं बस स्टेशन की तरफ, बैठ गए रिक्शा में तो दिखाता हूँ आप। तो पहुँच गए करनाल स्टेशन पे, हमारी ट्रेन आने वाली है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो कुरुक्षेत्र से चलती है और शो नहीं होती यहाँ पे, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा आने वाली है, काफ़ी देर हो गया हमारे खड़े खड़े, तो करते हैं इतने वेट वगैरह। इतने अब व्यू दिखाता हूँ स्टेशन का, धूप हो रही है, बंदे भी हैं, भीड़ है पर धूप बहुत हो रही है। ये देखो भी अंदर सारी पड़ी है खाली इस वक्त, ये देखो खाली पड़ी है। बैठ गया अब ट्रेन में और खाली पड़ी थी, मानो सीट मिल गया पूरे पूरे सारों को। तो चलते हैं रास्ते में दिखाता हूँ आपको। हम जौन सी ट्रेन में करनाल से बैठे थे ना, दिल्ली कैंट उतार रही है और जाना सराय रोहिला है, तो यहाँ से ले लिया रिक्शा। देखो चलते हैं दिल्ली सराय रोहिला। देखो भाई कितने ट्रेनें आज बन के चलती हैं यहाँ से, 1 2 3 4 भाई गिनने में भी बहुत टाइम लग जाए, कितनी ट्रेन चलती है देखो। और हमारे को जाना है वो सामने वहाँ पे उस स्टेशन पे। हमारे साथ ये सारे बंदे हैं, ये देखो ये पीछे ये सारे ये हैं, ये सारे जा रहे हैं हम 6 बंदे। तो निकलते हैं अभी आगे, अब टिकट वगैरह पूछेंगे जो मिलती है यहाँ से, नहीं कंफर्म नहीं है यहाँ से। हम आगे स्टेशन से बाहर मास्क लेने, क्योंकि अंदर ना स्टेशन में मास्क का चलान कट रहा है, इसके बाहर ढूंढ। अब उतर गया यहाँ पे दिल्ली सराय रोहिला, यहाँ से हमारी ट्रेन है 2 घंटे लेट यहाँ से। फिर इतने हम यहीं पे इतने वेट वगैरह करेंगे और देखते हैं, इतने थोड़ी देर वेट वगैरह करना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद चलेंगे यहाँ से। और यहाँ पे ना मास्क अलाउड है, यहाँ पे चलान कट रहा था 500-500 रुपया। तो नीचे कोई लड़के वगैरह जाते हैं, उन्होंने बोल दिया कि मास्क पहले ही लगा लो आप, तो हमने अब मास्क लगाया। और यहाँ ट्रेन ना बन बन के चलती है, यहाँ पे दिखाता हूँ सामने कौन सी ट्रेन खड़ी है, डबल डेकर की। ये देखो यहाँ डबल डेकर खड़ी है, और भीड़ देखो। स्टेशन पे हो रही है बहुत ज़्यादा भीड़ भाई साहब, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ना एक दिक्कत है बस, यहाँ पे पानी पूरी नहीं मिलता, यहाँ पे मिलता है तो बोतल वाला मिलता है, और उसके अंदर से प्यास वगैरह नहीं भूखती, मतलब कि सिंपल नॉर्मल पानी नहीं मिलता। फिर यहाँ पे ढूंढने के लिए गए हैं 2-3 वगैरह, हमने बोतलें ही ली थी अभी, बोतलें से कोई लड़का पी नहीं रहा ज़्यादा पानी। फिर अब देखने गए हैं हम आगे, कोई मिलता है ताज़ा पानी तो टूटी वगैरह का या समरसी वगैरह का वो शूट करते हैं हमारे को। तो अभी देखते हैं आगे मिलता है ठीक है, नहीं तो फिर बोतल ही लेंगे। अब बोतल वगैरह वाला तो मिल रहा है बहुत ज़्यादा, और पर वो लिए हमने 2-3, उससे भर ही नहीं रहा, पेट ही नहीं भर रहा, दिल करता और क्यों और क्यों करते हैं इतने वेट, अभी 2 घंटे रह रहे हैं अभी। I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna. ये देखो
भाई ये है हमारी ट्रेन, ये यहाँ पे पहुँच गया इस टाइम। और टाइम दिखाता हूँ मैं एक मिनट आपको, ये भैया चल जाए। टाइम देखो 5:57 हो रहे हैं और यहाँ से चलेगी साढ़े, जो बैक में दिख रही है ना वही है हमारी ट्रेन। और यहाँ से अभी 1:30 चलेगी, तो पड़े अभी बहुत टाइम, यहाँ से अभी 2 घंटे पड़े हैं अराउंड। तो इतना वेट कर रहे हैं, इधर उधर ही घूम रहे हैं, इतने देख के आए थे आगे तक कितनी भीड़ वगैरह होती है, क्योंकि इसके जर्नली मेरी टिकट बुक नहीं हुई थी ना हमारी, वो पिछले ब्लॉग में आप देख ही जाएगा। तो इतने करते हैं, पीछे ही चलते हैं दोबारा, आगे आए थे हम पीछे ही चलते हैं दोबारा। सब भीड़ हो गया बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने लग गई इस टाइम। और जयकारे यहीं से लग रहे थे, अभी ट्रेन चली ना जैसे, तो यहीं से जयकारे वगैरह लग रहे थे। और भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा, देखो तो आपने देख ही लिया कितनी भीड़ हो रही है। और गेट गेट के पास बंदे खड़े थे। भीड़ देखो कितनी हो रही है, फुल ज्यादा भीड़ हो रही है। तो आपको वहीं पे पहुंच के दिखाता हूँ मैं, इतने तो इतने वेट करते हैं काफी देर। भीड़ देखो भाई कितनी हो रही है, फुल ज्यादा, वो देखो उधर तक भीड़ ही भीड़ हो रही है फुल ज्यादा। और इस साइड देखो बंदे बोल रहे हैं कि ना पहली बार इतनी भीड़ देखी है, क्योंकि भीड़ इतनी हो रही है ना, पैर की जगह नहीं है, देख लो तो बहुत भीड़ हो रही है। तो आप रास्ते में चल के दिखाता हूँ आपको, इतने आप बने रहो वीडियो में। देखो भाई रात का समय है इस टाइम, भीड़ देखो वहाँ तक, भीड़ देखो भाई फुल भीड़ हो रही है। उधर देखो भाई साहब फुल भीड़ हो रही है, दूर तक देखो पूरा स्टेशन भरा पड़ा है जिस हिसाब से, ये देखियो। इतने अभी यहीं पे हैं इस टाइम, थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करेंगे, क्योंकि ये ना ट्रेन के अंदर बताता हूँ मैं, इतनी भीड़ हो गई थी ना बहुत ज़्यादा, पैर नहीं जगह दी थी, तो कुछ शूट वगैरह भी नहीं कर, थोड़ा बहुत हैं सीन वो आपको दिखा दिया मैंने जो थे। और उसका भीड़ इतनी हो गई थी ना, पैर नहीं जगह नहीं हो रही थी, और मेरा जो सब मूवमेंट वगैरह हो गई थी, बीपी हाई वगैरह हो रहा था, सिर्फ बहुत दिक्कत हो गई थी, इसके कारण मैंने ज़्यादा शूट वगैरह भी नहीं करा। तो अब उतरे हैं, थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करके फिर निकलेंगे आगे की तरफ, फिर आपको वहाँ पे जाके दिखाऊंगा। इतने बने रहो वीडियो पे, ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, इतने आगे देखो। ये देखो भाई यहाँ से सारे निशान वगैरह उठा के चलते हैं। ये देखो हम, मैंने सारे निशान उठाया, बट तीनों ने, मामा और ये साथ आए हैं ना, तो मामा और ये दोनों ने, और मैंने ने अकेले ने, हमने एक ही उठा लिया था, तो हमने एक ही उठा लिया सारों ने, दिखाता हूँ मैं सारों का। ये देखो देखो भाई रात को भी कितनी भीड़ हो रही है, सारे के सारे वहीं पे जाने वाले हैं खाटू श्याम। ये देखो निशान यात्रा वाले भी बहुत होते हैं, गाड़ियों में चल रहे। ये देखो ये आ गया टोल टैक्स, यहाँ से भीड़ देखो भाई, मैं सोच रहा थोड़ी सी भीड़ है उधर तक, भीड़ है पीछे तक। और टाइम था आपको 3:30 हो रहे हैं, देख लो कितनी भीड़ है पीछे तक। तो अब हो गया आज सुबह, हमारे को चलते चलते रात से कम हमारे को हो गया 3 बजे से पहले निकले थे, और इस टाइम होने वाले हैं 5:30 होने वाले हैं। पैदल चलते हुए मेरे पैरों में हो रहा बहुत तेज दर्द हो रहा है पिछली बार की तरह। तो अभी तो टाइम लगे, इतने व्यू दिखाता हूँ, अब दिन हो गया तो व्यू वगैरह दिखाता हूँ, इतना मस्त मस्त व्यू हो रहा है, भीड़ बहुत हो रही है जी। रात को मैंने शूट वगैरह भी किया था, कोई दिख तो रहा नहीं था वहाँ के कैमरे में इतना अच्छी तरह, और भीड़ वगैरह तो रात को ही बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो दिखाता हूँ आपको थोड़ा बहुत व्यू वगैरह। ये देखो
बिल्डिंग वगैरह बचने की अभी, ये डायमंड वाटर पार्क जो खाटू श्याम के पास है। Sorry that I fall away sometimes. Yeah, yeah.